स्वागत है दोस्तों डायल 100 में। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक नाबालिग के साथ दरिंदों ने मुंह काला किया। घटना बड़ी दर्दनाक है, देखिए डायल 100 की इस रिपोर्ट में। दरअसल वारदात 17 जनवरी की है, जहां कुछ लड़कों ने पीड़िता को उसके ही घर से ही अपहरण कर लिया और फिर उसे किसी सुनसान इलाके में ले गए, जहां उन दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी पिछले एक साल से स्कूल आते जाते उसे छेड़ा करते थे। परिजनों ने जब आरोपी के घर इस बात की शिकायत की तो पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इस बारे में जब पुलिस को बताया गया तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। तो लड़के करीबन मेरे से स्कूल पे आके छेड़छाड़ करते थे, मेरा घर तक पीछा करते थे। गुसाईयों के लड़के थे, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, अनिल भारती उर्फ निन्नू, सेठी भारती, भीषम भारती, रवि भारती और एक राजीव। ये लोग मेरे साथ काफी बार छेड़छाड़ करते थे, लेकिन मैंने इसकी शिकायत अपने मम्मी पापा से करी। मेरे मम्मी पापा ने शिकायत इसकी अनिल भारती के परिवार वालों से करी। उसके परिवारों से करने पे कुछ नहीं हुआ, उसके परिवारों से कुछ नहीं कहा, वो और भी उजागर हो गया कि मेरे को बीच रोड पे छेड़ने तक लगा। इसकी शिकायत भी मेरे पापा मम्मी ने और मैंने थाने में करी, लेकिन थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। जब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी तो वो लोग हमें मारपीट करने लगे, दिन दहाड़े आके हमारे घर में हमें घुस के मारने लगे। उन लोगों ने इतनी बदतमीजी दिखाई कि मेरे को मेरे स्कूल से छेड़ना, टच करना, इतना सब कुछ कर लिया उन लोगों ने, पर मेरी थाना कलेक्टर में कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो लोग जो है ना पुलिस वालों से पैसे खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। किडनैप कर लिया मेरे घर से और उन लोगों ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। फिर मेरे पापा मम्मी ने जो थाना कलर भी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट से SHO ने कुछ नहीं किया। हम कोर्ट की शरण में आए, फिर कोर्ट की शरण में आके हमें थोड़ा हौसला मिला कि हाँ हमारा इंसाफ मिल सकता है हमें। बात यही नहीं थमी, हद तो तब होगी जब पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक महीने तक लड़की और उसके परिजन दर दर की ठोकरें खाते रहे और मजबूर होकर उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। अदालत के दखल के बाद ही 15 फरवरी को मामला दर्ज किया गया, लेकिन परिजनों के मन में अब भी डर बना हुआ है, जिसके चलते वे अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। का जो रोल है वो इसमें कल से तो देखने लायक है, पुलिस ने बहुत ही तेजी दिखाई है, लेकिन 17 तारीख की ये घटना, 17 तारीख की इंटीमेशन है, ये सब कुछ मैं मानता हूँ कि पुलिस ने मिलीभगत से एविडेंस ख़त्म करने के उद्देश्य से सब कुछ डिले टैक्टिक्स अपनाई है। लड़की को रेप जैसे केस में, वो भी सामूहिक बलात्कार जैसे सेक्शनों में कोर्ट की शरण में आना पड़ा, अपनी बात जो जज साहब के सामने रखनी पड़ी और 17 तारीख से और अब तक तमाम कितनी कठिनाइयों से, एक तो वो विक्टिम है, दूसरा लड़की है, तीसरा अनमेरिड लड़की है, तो पुलिस को इसमें काफ़ी मैं मानता हूँ कल से पहले जो वो था वो SHO साहब की पूर्ण रूप से घोर लापरवाही। लड़की को जान का खतरा है, ये लोग अपने परिवार को वहाँ से छोड़ चुके हैं, अपने घर को छोड़ चुके हैं, तो आप इसकी हिफाजत करिए। तो वहाँ पे ACP के सामने 4 मुलजिम जो नाम दर्ज थे उनको पुलिस ने पेश किया, उसके बावजूद उनमें से 2-3 मुलजिमों को उन्होंने छोड़ दिया है। उधर पुलिस ने इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। बाकी 3 आरोपी भी फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात तो कह रही है, अब देखना यह है कि पुलिस कब और कितनी जल्दी बाकी दरिंदों को पकड़ पाती है जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इंदरजीत, CNN न्यूज, दिल्ली। अभी एक और छोटा सा अंतराल, लेकिन बाकी है अभी जुर्म की दुनिया का हाल।